दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आप ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। ओ प्यारे बच्चों, आज कक्षा 2 to 5 विषय हिंदी व्याकरण के बारे में हम लोग आज निबंध के बारे में जानेंगे। विद्यालय पर निबंध है ना, कि विद्यालय पर निबंध कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि विद्यालय पर लेख कैसे लिखा जाता है, और उसको समझने का भी हम लोग प्रयास करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग विद्यालय पर लिखने से पहले हम लोग लिखते हैं क्या, लिखते हैं यहां से चालू करेंगे, विद्या की मंदिर को विद्यालय कहा जाता है, विद्यालय कहा जाता है। क्या विद्या की मंदिर को विद्यालय कहा जाता है, तो विद्या की जो मंदिर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्यालय कहते हैं। मेरा भी विद्या का मंदिर विद्यालय है ना, ठीक। मेरा भी एक क्या है, मेरा भी विद्यालय विद्या का मंदिर विद्यालय है। मेरे विद्यालय का नाम आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल पावर हाउस डंडा डी है ना। मेरे स्कूल का नाम आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल पावर हाउस डंडा डी है। मेरे विद्यालय की निदेशक श्रीमान कन्हाई चंद यादव तथा प्राचार्य श्रीमान रामकिशुन यादव हैं।
फूल किशोर यादव हैं ना। फिर पढ़ना है, मेरे विद्यालय की निदेशक श्रीमान कन्हैया चंद्र यादव तथा प्राचार्य श्रीमान राम किशोर यादव हैं। मेरे विद्यालय में 800 विद्यार्थी पठन पाठन का कार्य करते हैं। मेरे विद्यालय में कक्षा LKG से दसम तक की पढ़ाई होती है। मेरे विद्यालय में आवासीय की व्यवस्था की गई है, मतलब मेरे विद्यालय में जो होता है कि बच्चे यहीं पे रुक के वो पठन पाठन का काम अपना करते हैं। मेरे विद्यालय में 25 शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं जो यहाँ पे पठन पाठन का कार्य करते हैं। प्रत्येक शिक्षक अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि विद्या की मंदिर को विद्यालय कहा जाता है। मेरा भी विद्या का मंदिर विद्यालय है। मेरे विद्यालय का नाम आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल पारा और डंडाडी है। मेरे विद्यालय के निदेशक श्रीमान कन्हैया चंद्र यादव तथा प्राचार्य श्रीमान रामकिशोर यादव है। मेरे विद्यालय में 800 विद्यार्थी पठन पाठन का कार्य करते हैं। मेरे विद्यालय में कक्षा LKG से दसम तक की पढ़ाई होती है। मेरे विद्यालय में आवासीय की व्यवस्था की गई है। मेरे विद्यालय में 25 शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। प्रत्येक शिक्षक अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं।